सो गाइज, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम नॉट इन 2020, हमेशा ये मेथड आप हमेशा यूज कर सकते हो और इंस्टाग्राम से पैसे अर्न कर सकते हो. कैसे, कौन सा मेथड है, लेट्स गो. सो माय नेम इज टी एंड यू आर वॉचिंग तौहीद अहमद यूट्यूब चैनल. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करो ताकि आपको एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज की वीडियो और बहुत अच्छी क्वालिटी में नॉलेज मिल पाए. तो गाइज, आपको तीन बिजनेस बताने वाला हूँ जो इंस्टाग्राम पे आज चलते हैं, कल चलेंगे और पूरी मुद्दत, मतलब जो भी ईयर आएगा, जितना भी ईयर आएगा, हमेशा ये बिजनेस चलता रहेगा अगर इंस्टाग्राम रहेगा तो. सबसे पहला बिजनेस मॉडल है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल. गाइज, इसका मैं पूरा प्रूफ देता हूँ आपको. आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पर आप सर्च करो कुकिंग पेजेस. आप जब कुकिंग पेजेस पे जाओगे तो देखना कई ऐसे पेजेस हैं जो प्राइवेट है. आपको पता है प्राइवेट क्यों? क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेजेस है. जब देखो, जब इनका कोई एडमिन रहता है, अगर आप इस नीश में, जो ये नीश है, उसमें इंटरेस्टेड हो ना, तो इनका जो एडमिन है, मॉडरेटर है, या इनका जो भी टीम है, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा और लिटरली बोलेगा कि अगर आप इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो, इस चीज़ को सीखना चाहते हो, तो वो आपको एक ना पूरा मॉड्यूल देंगे कि हम ये सिखाते हैं. देन वो आपको उसमें एक्सेस देंगे उनके पेज में. लेकिन यहाँ पर एक बीच में आता है पैसा. वो पैसा ये लोग आपसे लेंगे. ये सब्सक्रिप्शन बेस रहता है, वीकली, मंथली और ईयरली. इतना इतना अमाउंट, जो भी उनका अमाउंट है, वो चार्ज करेंगे और उतने ही अमाउंट का आपको नॉलेज दिया जाएगा. तो ये जो बिजनेस है, ये कुकिंग में, डॉग्स ट्रेनिंग में एंड चाइल्ड केयर में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ऑन इंस्टाग्राम दिस टाइम. फॉरेन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. इंडिया में आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, या आप कुछ भी, जो भी आपका स्किल है, डांस है, या जो भी आपका स्किल है, उस पर आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन फॉरेन में मैंने जो तीन चीज़ बताई, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट गाइज, जो नेक्स्ट है वो ये है कि प्रोडक्ट सेलिंग. बट प्रोडक्ट सेलिंग में क्या प्रोडक्ट सेलिंग? गाइज देखो, सबसे ज़्यादा जो इंस्टाग्राम पे सेल होती है जो चीज़ है, उसको बोलते हैं टी शर्ट्स, उसको बोलते हैं जूते, उसको बोलते हैं कैप्स, वॉचेस, बेल्ट, मतलब कि क्लॉथ, राइट? एग्जैक्टली क्लॉथ. सबसे ज्यादा जो सेल होता है वो होते हैं कपड़े इंस्टाग्राम पे. तो अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हो या कुछ आपको नॉलेज नहीं है कि प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाए, तो SaaS मतलब सॉफ्टवेयर्स को सेल मत करो. अगर आपको नॉलेज नहीं है कि सेलिंग कैसे की जाती है, सेलिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो आप सीधा कपड़े बेचना स्टार्ट करो. और कौन से कपड़े? प्रिंट वाले कपड़े. मतलब कि आजकल देखो, कुछ भी नया, कुछ भी ट्रेंड कर जाता है, जैसे अपना टाइम आएगा, राइट? तो ऐसी ऐसी कोई सी भी बातें हैं, तो वो आप अपने टी शर्ट पे प्रिंट करवाओ, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनसे प्रिंट करवाओ. और जब ऑर्डर मिले तो आप उनको बोलो, भाई हमें इस अमाउंट में टी शर्ट चाहिए, और वो उनको आप सेल करो, राइट? क्यों ये मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. जैसे लोग मुझे आके बताते हैं, सर हमने ये अप्लाई किया, वो अप्लाई किया, ये काम कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है, उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो इंस्टाग्राम पे इस समय चल रही हैं. तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को ट्राई करो. लास्ट इन द लिस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबको पैसे ला के दे सकता है, अगर आपके पास ये चीज़ है. क्या चीज़? लेट्स गो. सो लास्ट इन द लिस्ट, थर्ड चीज़ वो ये है कि शॉर्ट आउट. गाइस, शॉर्ट आउट जो चीज़ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है. और इस समय जो इंस्टाग्राम के बड़े बड़े पेजेस हैं, जिनके पास एटलीस्ट एक एक लाख, दो दो लाख, तीन तीन लाख या एक एक मिलियन सब्सक्राइबर है, वो एक एक घंटे का $50 चार्ज कर रहे हैं. तो आप समझ सकते हो कि अगर उनके पास मंथली के 10 कस्टमर भी आ गए और वो डेली का एक घंटे का भी सर्विस देने लगे, तो एटलीस्ट वो $1,000 से कई ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, राइट? और मैं बता दूँ, लोग तीन तीन चार चार दिन के लिए लोग प्रमोट कराते हैं अपने अपने वेबसाइट्स को, पेजेस को, प्रोडक्ट्स को, या कुछ भी चीज़. वो तुरंत, मतलब शॉर्ट आउट मतलब सिर्फ प्रोफाइल नहीं, कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ का शॉर्ट आउट देना, राइट? तो वो सिर्फ एक अमाउंट स्टार्ट होता है $50 से. वो 350,000, 1500 ऐसा चार्ज करते हैं. लेकिन इसके लिए आपको चाहिए फॉलोअर. जो मैंने कही थी ना, एक चीज़ होना चाहिए आपके पास फॉलोअर, इसीलिए मैंने इसको थर्ड कैटेगरी में रखा है. लेकिन फॉलोअर गेन करना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है. इसकी स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट, और थोड़ा सा डेली का, मतलब 200, 300 या 100 रुपये एटलीस्ट आपको एड पे खर्च करना पड़ेगा. लेकिन फ्यूचर में, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फ्यूचर में कि इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट है. तो आप ये वीडियो जरूर देखें और समझें
कि कैसे इंस्टाग्राम से फ्यूचर में काफी ज्यादा पैसा अर्न किया जा सकता है। और ये सिर्फ तीन, जितने लोग भी आप लोग को बताते हैं ना कि ये करो इंस्टाग्राम पे, ये सिर्फ तीन ही बेस है इंस्टाग्राम से अर्निंग करने के। आप थोड़ा सा सोच के देखो, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आप इससे के ज्यादा कुछ जानते हो तो मुझे भी बताओ, तो मुझे भी पता चले, राइट। और अगर लगता है कि आपके पास और कोई यूनिक आइडिया है तो वो भी मुझे बताओ, तो मैं लोगों को और वीडियो बना के बता पाऊँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। जय हिंद।